अभी हमें पता चला है सुबह 8 बजे से बैठना पड़ रहा है 12 बजे तक। ये फोन के आगे हमारा कैमरा फेल हो रहा है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे, अपने घर में होंगे। तो एक्चुअली आज की डेस्टिनेशन है हमारा सातल। तो ये प्लान कुछ अनप्लान प्लान है, अराउंड कल रात के 12 बजे को सीन बन गया था जाने का। तो आज हम निकल चुके हैं, सुबह 8-9 बजे से निकले हैं, तो अभी रास्ते में पहुँचे हैं। तो हम 6 लोग जा रहे हैं, तो 2 तो ये R15 में, ये आपने देखी होगी पहले वाली वीडियोस में, ये भाई अभी 1 दो स्प्लेंडर में और 2 माइस्ट्रो में। तो दिखाते हैं आपको क्या सीन रहता है। बाकी तो यहाँ चेकिंग चल रही है, तो अभी जरा छुप छुप जाए। और इस व्लॉग में आपको मोटर व्लॉग भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको सेटअप क्योंकि इस हेलमेट में मैंने माउंट लगाया है। तो देखते हैं क्या सीन रहता है। तो लेट्स गो। हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन में सातल। तो सबसे पहले हम ही पहुँचे हैं, वो अभी तक आए नहीं है, बस आने वाले होंगे। तो सीन देखिए आपको, यहाँ का काफ़ी अच्छा है। और खन्नी भी पहुँच चुका है हमारे साथ। खन्नी भाई से आए तुम्हारा ऑडियंस आए हाय हाय। कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? बहुत बेकार, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो हैं तो है जमीन। तो गाइस मोमो आ चुका है हमारे। सो गाइस ये देखिए, ये मोमो 120 के हैं, हमारे वहाँ 20 के मिलते हैं, कन्नूदा बनाते हैं हमारे हमारे वहाँ 20 के मिलते हैं। इसलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कोई बात नहीं, 20 के हमारे वहाँ 6 मिलते हैं। बट कोई नहीं, इसे खा के आपको मिलते हैं। बाकी अभी तो कैमरा फोटो शूट के लिए दे रहा हूँ इनको। ये वहाँ से हैं मॉडल, इनको अपनी फ़ोटो खिंचाने की बहुत भाई, तो इनको फ़ोटो खिंचाते हैं। चलो तो मिलते हैं अभी तो फोटो शूट चल रहा है खन्नी भाई के फ़ोन से। फ़ोन दिखाइए आप अपना। खन्नी भाई ने नया फ़ोन लिया है, वन प्लस के। फ़ोन के आगे हमारा कैमरा फेल हो रहा है, और कैमरे से ब्लॉगिंग भी चलनी चाहिए, क्योंकि अब दूसरा लेंस लगाऊंगा तो दिक्कतें आती हैं। तो उसके फ़ोन से फोटो शूट करने के बाद बोर्डिंग करते हैं लड़कियाँ। अभी का सीन कुछ ऐसा है, तो हमें बोर्डिंग करनी है। तो ये हमारे विनय भाई की जान पहचान अच्छी है, तो हम फ्री में बोर्डिंग करना चाहते हैं। हम 100 रुपये में 6 दिनों को बोर्डिंग करानी है। तो जो हमें फ्री में बोर्डिंग करा रहा है, फ्री में नहीं मतलब 100 रुपये में जो बोर्डिंग करा रहा है वो आ रहे हैं। 100 रुपये में 6 लोग की बोर्डिंग हो रही है। बस सुबह 8 बजे से बैठना पड़ रहा है 12 बजे तक। अगर आपको भी यहाँ को आपको भी सांताल आके कुछ फ्री में कुछ करना है तो बताइए। अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं सबको फ्री में करा दूँगा। So guys, by the way, यहाँ का सीन देखिए काफी अच्छा है। So guys, अभी का सीन कुछ ऐसा है, बोर्डिंग अब विनय भाई ने कैंसिल नहीं हुआ है, तो अभी टाइम लगेगा क्योंकि बहुत भीड़ लगती है। बस 10-15 मिनट की और बात है, इसके बाद हम बोर्डिंग करेंगे। तब तक का फोटो खींच लेते हैं, लोकेशन अच्छी लग रही है। दो बार इन शहरों की गिरफ्त से भगा मैं, एक गहरी सांस लेके सब भूला भाई, जादू सा है कुछ सवा मैं, झंझट से दूर हूँ, पड़ोसी की पीटी नहीं सुनी आज, जो करो जो करना नहीं डरना कुछ, अभी भी सोचे क्या सोचे की दुनिया, रहने दो या जाना मुझे घर नहीं, इनको विचारों की है जड़ भाई, ये जो चमकी तारे मेरे पे पूरी रात प्रकृति साथ है, वो जो गरीब पास में हम गरीब पास में फिर भी जी चारी है, अतीत की चादर ओढ़े खोया आज। ये गाइस हम बोर्डिंग करने पहुंच चुके हैं, यहाँ पर पहुंच चुके हैं। काफी समय बाद वेट करने के बाद हम यहाँ आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने तो बोला था आधे घंटे के लिए, 10-15 मिनट, आधे घंटे के लिए, 1.5 घंटे के बाद ही आएंगे। लेकिन एक गलती हमने कर दी, कुछ खाने पीने के लिए कुछ नहीं लाए हैं जल्दबाजी में, बट कोई नहीं। Guys, full enjoy.
है तो शायद हम कुछ प्लान बन रहे हैं कि वो कार्गिन बोलते हैं, चीज क्या बोलते हैं जो झूले में लटक के पानी में जाते हैं, शायद कार्गिन बोलते हैं। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि हम वो भी ट्राई कर सकते हैं, अब टाइम के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि रास्ते में एक ये तो भाई ने पुल देख लिया है, इनको काफ़ी पसंद आ गया है, तो नहाने के लिए ये जा सकते हैं। तो बोटिंग का एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा है हमारा, मतलब जगह है 7 साल, बाकी देखते हैं क्यों। तो गाइस बोटिंग कंप्लीट कर दी हमने, तो हम यहाँ से निकल चुके हैं 7 साल से, तो बाय बाय 7 साल। तो गाइस हमने नई मुखी खा ली, अच्छे से पेट भर चुका है। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है, आगे एक कार है, हम जा रहे हैं नहाने के लिए। सीन तो कार्गिन करने का था लेकिन वो कुछ नहीं हो पाया, बट कोई नहीं, वो ताल में नहाते हैं, ताल नहीं पता नहीं पुल एक, तो लेट्स गो। हम पहुंच चुके हैं अपने पुल में, नहीं बतानी किसका बोल रहे हैं, विनय भैया तो बोल रहे हैं फ्री में, पर अब क्या बताएं पेड़ हो सकता है, आपको पहले पुल का नज़ारा दिखाएंगे, काफ़ी अच्छा है, चाहे पेड़ हो चाहे कुछ भी हो, ये गहरा बहुत है। हाँ तो मच्छी भी नहा रहे हो, उसके अंदर हम क्या नहा पाएंगे। अब वहाँ जाके चेक करते हैं पेड़ है या फ्री है, के पापा ने बनाया, अगर वहाँ जाके चेक करेंगे अगर फ्री होगा तो मेरे पास है फ्री की चीजों में, तो ला ला फ्री की चीजों में हम बड़ी जल्दी मारते हैं चप्पा। आपने देखा होगा बोटिंग भी हमने फ्री में की है, आप लोगों लेकिन मच्छी लानी है तो बताइएगा। आओ जाने देते हैं यार, फ्री में अरे चलो फिर यार, थैंक यू दीदी, चलो चलो। तो गाइस अभी हमें पता चला है, वो एक दीदी थी उनसे हमने पता किया, वो कह रहे थे फ्री है, तो अब तो मजा आएगा। और बीच में दलदल है, दलदल दलदल दलदल, और काफी बड़ा लग रहा है, मेरा तो नाना मुश्किल ही है, तो बताना, और ठंडा भी हो रहा है, बस पानी में आप देखते हैं क्या सीन रहता है, बाकी दिखाते हैं आपको जो होता है। ऊपर से तो काफी गर्मी चढ़ी थी, हमें नहाने की नहाएंगे अगर फ्री होगा तो। नीचे आ गए, चेक किया हमने तो वो क्या कहते हैं, वो एक घटना हो गई, पानी बहुत गहरा हुआ है, पानी बहुत गहरा है, ये तो कह रहे हैं हम आसपास के, हम रोज के नहाने वाले हैं, मैं और ये लाल वाले नहा सकते थे, बाकी इनके दम, हम तो पहली बार नहा रहे इतने, और कुछ लोग तो कह रहे थे बीच में दलदल है, तो इस वजह से मौसम भी बहुत ठंडा हो गया। ठंड काफ़ी बढ़ चुकी थी तो इसलिए मैं हुडी लाया था, तो हुडी मैंने पहन ली है, तो चलते हैं फिर देखते हैं आगे जाके क्या होता है। वैसे वेदर तो यहाँ का काफ़ी ठंडा हो चुका है, तो भाई घर जाते जाते तो हम यहाँ पर रुके हैं, ये है सुसाइड पॉइंट आई थिंक, जहाँ का भी हल्द्वानी का या भीमताल का, तो मैं रिकमेंड तो नहीं करता हूँ यहाँ पर रुकने के, बस तो हम अगर अच्छा लगा फोटो शूट कर दिया, ज़्यादा ऊपर तो नहीं गए, तो बारिश आने का मौसम भी हो रहा है, तो अब घर चलते हैं। अरे पहनना एक बार, पहनना फोटो खींच रहा क्या? हाँ सही बताना। अरे पहन